Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. So, well, hello guys, hello guys, welcome back to my YouTube channel, welcome back to Shubharambh Vlogs. So guys, this vlog is all about Bangkok, what I did in Bangkok, what I did not do in Bangkok, jo bhi hai, sab kuch batane wala ye vlog mein, sab videos, aur yeah, let's start it. So guys, let me tell you first ki I was not carrying my phone, means my camera, to Bangkok because this my new phone. So ye video mein mere new phone se shoot kar raha hu. I'll not reveal my phone because next video mein main aapko bataunga ki maine kaun sa phone liya hai because content hi hai. So I did not take my phone to Bangkok because meri flight thi Saturday ko. और ये फ़ोन मुझे शिप हुआ है संडे सुबह, तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है इसके वजह से. और एक बात गाइज, जब मैं ट्रिप पे जा रहा था मैं बहुत बीमार था, मतलब मुझे खांसी थी, सर्दी थी, सिर हेडेक था. एक्चुअली मैं उसके दो तीन दिन पहले से बीमार था, मैं फिर भी ट्रिप पे गया. एक्चुअली मैं नहीं जाने वाला था और ये ट्रिप भी एक हफ्ता डिले क्यों हुई मैं आप लोगों को बताता हूँ. दी फ्लाइट, देर वॉर सम फ्लाइट इशूज गोइंग ऑन ऑफ एयर इंडिया, तो मतलब वो फिक्स था, लाइक फ्राइडे को फिक्स था. मतलब मैंने गलती से मैंने आप लोगों को अनाउंसमेंट मैंने कर दिया कि मैं जाने वाला हूँ और फिर वो नहीं किया, तो बेसिकली पोपट हुआ. बट नहीं यार, एक हफ्ता डिले हो गया और ये हफ्ता भी लाइक जब भी नेक्स्ट हफ्ता हम लोग जब भी था तभी भी पक्का नहीं था हम लोग जाने वाले हैं कि नहीं. बट फ्राइडे को कैंसिल हो गया और मैंने तो छोड़ दिया था, मतलब कि अभी तो जाना ही नहीं है, अभी ये शिफ्ट हो जाएगा और ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा. तो मैंने पूरा प्लान किया था कि मैं अभी आप लोग को वीडियो बना के बोल लूँगा कि मेरा थोड़ा सा प्लान कैंसिल हो चुका है. बट अनएक्सपेक्टेडली सैटरडे को एक कॉल आया कि फ्लाइट्स आर अवेलेबल एंड यू कैन गो नाउ. तो बहुत ही अचानक हुआ, मैं बाहर जाना था, मैं बीमार था बट मुझे जाना पड़ा बिकॉज मेरी फ्लाइट की टिकट आ गई थी और सब कुछ रेडी था, तो सिर्फ वो जाना पड़ा. मैं नहीं बोल सका था, तो को पता है ना यार मैंने क्यों नहीं बोला. तो ये सब हुआ. एंड वन मोर थिंग गाइज, नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोग को पूरी तरह कंफर्म करके बताऊंगा कि मैं जाने वाला हूँ कि नहीं. कहीं पे भी अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को पूरी तरह कंफर्म करके ही बोलूँगा कि अभी आज मैं जा रहा हूँ, या एक स्टोरी डाल लूँगा, नहीं तो मैं वहीं से मैं व्लॉग चालू कर दूँगा. अगर मेरी कोई फ्लाइट है या कुछ भी है, मैं वहीं से व्लॉग बनाना चालू कर दूँगा और फिर आप लोग को पता चल जाएगा. एंड इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ कि गाइज मैं वहाँ पे अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़. मुझे बहुत खांसी थी, एक खांसी का भी एक प्रॉब्लम था और एक था फ़ोन का. मैं फ़ोन लेके नहीं गया था, तो मेरे बहन ने मुझे उसका आईफोन दिया व्लॉग शूट करने के लिए. बट यू नो गाइज कि आईफोन की बैटरी बहुत जल्दी उतरती है फुल ब्राइटनेस पे, और इफ़ यू आर शूटिंग अ वीडियो, तो एक वो भी इश्यू था. बट स्टिल आई मैनेज टू टेक सम शॉट्स. मैंने अच्छे से आप लोग को बताया नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ माई थ्रोट. बहुत गला दुख रहा था, बहुत खांसी थी, बहुत सर्दी थी, और ऊपर से वो कान, वो प्लेन की वजह से मेरे कान लिटरली दोनों बंद हो गए थे, तो मैं दो दिन तक बहरा था. लाइक लिटरली मैं ऐसे घूम रहा था, ऐसा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, डेफ, लाइक पूरी तरह मैं डेफ हो गया था. मुझे कुछ बहुत हल्की हल्की सी चीज़ें मेरे को सुनाई दे रही थी, तो एक वो भी इशू हो गया. बट यार नो वरीज, मैंने थोड़ा सा मैंने व्लॉग शूट किया है. अगर प्लीज़ यार पूरा वीडियो देखना और इसके बाद, और या एंजॉय. वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू शुभारंभ व्लॉग्स. सो गाइज फाइनली हम लोग जा रहे हैं बैंकॉक और मैं फुल ग्रूम्ड हो गया. मैंने थोड़ा सा ट्रिम किया है बियर्ड, वैसे भी बियर्ड मेरे को आती नहीं है, फिर मैंने थोड़ा ट्रिम किया है. सो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि मैं पिछले हफ्ते क्यों नहीं गया बिकॉज
अब भी हम लोग जा रहे हैं. सो दिस इज सैटरडे, सैटरडे 15 सितंबर सैटरडे. तो और गाइस शायद से मैं वहाँ पे अच्छे से ब्लॉग ना कर पाऊँ बिकॉज मेरा फ़ोन जो है, जो मैं नया फ़ोन लेने वाला हूँ, वो अभी तक मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ है. शायद मैं अच्छे से ब्लॉग ना कर पाऊँ बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब है और मेरा गला ख़राब है, मेरे को खांसी है, सर्दी है, फिर भी मैं जा रहा हूँ. और बाकी की बातें जाते जाते करेंगे और अभी मैं रेडी हो जाता हूँ और अभी सीधा मिलेंगे एयरपोर्ट पे. राइट नाउ और सब इमिग्रेशन क्लियरेंस सब कुछ हो चुका है, सब कुछ बोर्डिंग पास मेरे हाथ में अभी और सब क्लियरेंस हो चुका है. तो अभी मुझे अब भी जाकर मुझे टाइम मिला है बिकॉज मैं जब भी अंदर आया तो मुझे टाइम नहीं मिला बिकॉज सब चालू था. और एक बात गाइस, जब भी मैं अंदर आया तो वो मेरा मेरे पासपोर्ट पे फ़ोटो है, मैं फ़ोटो डाल लूँगा यहाँ पे दिया जाएगा. वो पासपोर्ट देख के जो वो पुलिस वाले ने जो मुझे लुक दिया है, मुझे ऐसा लुक दिया है कि तू आतंकवादी है, तू आतंकवादी है, ऐसा मुझे लुक दिया है उसने. और वाले वो हंसा, वाले बोला आए सर में मजाक कर आप जाओ, मतलब ऐसा लुक दिया, बोलता है कि अरे ये तो आप नहीं लग रहे हो, ये कोई और है, बोला नहीं सर मैं ही, मेरा बाल बड़ा था इसीलिए. तो ये सब हुआ और बाद में फिर से अभी और एक पुलिस वाले ने मेरे को वापस ये किया कि अरे ये तो आप नहीं दिख रहे हो ऐसा वैसा. अरे क्या मतलब सब लोग चूतिया काट रहे थे सच्ची में, मतलब इतना मतलब वांटेड, इतना वांटेड कर गया मैं मतलब बड़े बाल पे. सो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ का थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट्स आप लोगों को बताता हूँ मैं अभी, यहाँ पे बहुत कुछ है देखने लायक और या एंजॉय इट. Yeah, it's made with bits of real panther, so you know it's good. It's quite pungent. Oh, yeah. Stings the nostrils in a good way. Yeah. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works. Every time. लेना सीधा हवे में, सीधा सीधा हवे में. सिनेमैटिक शॉट्स हुआ और मेरी अभी फ्लाइट है एक डेढ़ बजे की शायद, और अभी हम लोग थोड़ा बैठेंगे लॉन्च में जाके और थोड़ा टाइम पास करूँगा. सॉरी गाइस, मेरे पास फ़ोन नहीं है तो नहीं तो मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा करता, पर मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरी बहन का फ़ोन है और मेरी बहन को भी फ़ोन यूज़ करना है, तो शायद तो ये ब्लॉग छोटा हो जाएगा क्योंकि मेरी बहन, आपको पता है ना 6S की बैटरी फटफट उतरती है. वन मोर थिंग गाइस, जब से मैं यहाँ पे एयरपोर्ट में आया हूँ एक अलग सी फीलिंग आ रही है बाहर घूमने की, वो फीलिंग आप लोगों को भी मालूम पड़ जाएगी थोड़े और टाइम में कि क्या लोग अलग ही फीलिंग आ रही है. ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत घूम जा रहा हूँ, असल में सब लोग मुझे घूम रहे हैं, मुझे अजीब लग रहा है, सब अंकल लोग सब लोग मुझे घूम रहे हैं, बोले क्या कर रहा है ये, क्या ब्लॉगिंग करता है, क्या करता है, क्या मालूम. सो या अभी थोड़ा सा मेरे को भी ये हो रहा है तो मैं कैमरा बंद करता हूँ और मेरी बहन को मैं फ़ोन दे देता हूँ. Hello,
और मेरा आवाज़ भी थोड़ा बंद हो गया है बिकॉज मेरे कान भी बंद हो गए, मेरा आवाज़ भी बंद हो गया है, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई है क्योंकि मेरा कान और अब सब बंद हो गए इसकी वजह से। और अभी करेंगे एक्सप्लोर, और अभी मैं हूँ इसके ऊपर, ये एस्केलेटर नहीं, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और अभी करेंगे एक्सप्लोर। मुझे पता है थोड़ा थोड़ा वीडियो, मतलब मैं ज़्यादा आपको शॉर्ट्स नहीं दिखा पा रहा हूँ, टाइम लैप्स थोड़ा सा, वो अभी टाइम में सब लूँगा बहुत जल्द। सो या चलते अभी। अभी मैं हूँ ये होटल में, वांगटोंग होटल में इन बैंकॉक। ये होटल एयरपोर्ट से लगभग एक घंटे की दूरी पे है, वन एंड हाफ आवर लगता है, एक वन आवर और वन हाफ आवर लगता है, और मेरे कान अभी भी बंद है, मेरे मुझे कुछ सुनाई दे रहा है अच्छे से बिकॉज ऑफ प्लेन का जो आवाज़ था वो अभी मेरे कान में है, जो बहुत पेन हो रहा है अभी कान, और मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है यहाँ पर खांसी भी इसी से। और और ये होटल का रेंट लगभग अच्छा है, और लाइक मीन्स अगर मिडिल क्लास लोग आए तो यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक फॉर वन डे, फॉर वन एंड हाफ डे का कुछ 200 or 300 बात है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना है, बट अराउंड 200 to 400 बात कुछ तो है। सो हाँ, यू कैन कम हियर। तो या और अभी हम लोग जाएंगे कुछ खाने के लिए बाहर, सो अगर व्लॉग करने का मन किया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हम लोग क्या खा रहे हैं, तो मैं नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मेरा गला पूरा ख़राब हो गया मुझे बोलने नहीं हो रहा है, तो अगर हुआ तो करूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ और बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, चलो। जा रहे हैं बाहर, एंड गाइस यू माइट बी थिंकिंग कि मैं किसी को वीडियो में क्यों नहीं ले रहा। गाइस सब लोग कैमरा शाय पर्सन है, सब लोग कैमरा शाय है और कोई भी वीडियो में नहीं आना चाहता है, तो आई कैन फोर्स देम। सो गाइस राइट नाउ आई एम हियर, आई डोंट नो व्हाट दिस प्लेस इज कॉल्ड, बट मोस्ट ऑफ द पीपल कम हियर टू टेक फोटोज एंड ऑल। सो पीछे मेरे लोग फोटोशूट चालू है मेरे दोस्त लोग का, एंड दे आर गोइंग टू किल मी इफ आई एम गोइंग टू शो देम इन द वीडियो। सो गाइस देयर इज माय सिस्टर, हाय तो बोल, पागल वाट।
वहाँ के करेंसी को बोलते बात, मराठी में बोलते भात, बट वहाँ के करेंसी को बोलते बात, और वो हमारे से 2 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर वहाँ के 1,000 रुपये तो यहाँ के 2,000 रुपये, और अगर यहाँ के 1,000 रुपये तो वहाँ के 500 रुपये। आप लोग समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं? या ये सनग्लासेस मेरे पे कैसे लग रहे हैं? मैंने ये बैंकॉक से लिए 470 बात। हाउ इज़ इट, टेल मी इन द कमेंट्स। Yeah, 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dawg, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside and I split it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I been gone since like July, niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Capo go to slide. Cause I told them that we put that shit behind us, but I lied. Ayy, ayy, look who I'm around, man. If I fuck, acting like I die. They won't be expecting shit when Capo go to slide. Cause I told them that we put that shit behind us, but I lied. Ayy, ayy, look who I'm around, man. If I fucked up, I'ma be downtown, man. Full flow down, man. That's if I get caught, man. Push me to the edge, so it really ain't my motherfucking fault, man. I'm not to blame, man. This fucking industry is cutthroat. I'm not the same, man. And I could let you check the tag now. I'm rocking name brand. I'm only chasing after bags now. I got a game plan. And I'm out here with the whoop. 700 3i5s. Look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them, dawg. We gon' see how hard they ride. I get racks to go outside. मैंने वहाँ पे 2 वर्ड सीखे, हाउ टू से थैंक यू इन थाई एंड हाउ टू से हाउ आर यू इन थाई। सो थैंक यू को बोलते हैं खोपुन खाम। अगर आप लोग कुछ भी वहाँ से चीज़ खरीदेंगे तो वो लोग आप लोग को यही बोलेंगे खोपुन खाम। तो आप लोगों को भी खोपुन खाम ही बोलना है, खोपुन खाम, खोपुन खाम, खोपुन खाम। और हाउ आर यू को बोलते हैं सबाई दी माई, सबाई दी माई। मैंने मैंने बहुत ट्राई किया लड़कियों पे वहाँ पे, सबाई दी माई, सबाई दी माई, उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। और ये गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मैं आप लोग को मैं आप लोग से ये शेयर करना चाहता हूँ। बैंकॉक में एक इश्यू हो गया था, मुझे बहुत लोग ने बोला कि तेरे चैनल के यहाँ पे एक बटन है, लाइक तेरी वीडियो के नीचे एक बटन है जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप लोग वो सब्सक्राइब का बटन दबाओगे ना तो आप लोग मेरी वीडियो कभी भी देख सकते हो। मतलब आप लोग को नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है मेरी वीडियो का। ये बहुत नई बात मेरे को लगी, इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ यार। प्लीज यार, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे ये बात पता नहीं थी। आप लोग पता थी क्या? आप लोग को आपको आपको नहीं पता थी ना? आप लोग को पता रहनी चाहिए ये बात। प्लीज सब्सक्राइब कर दो नीचे। यार बहुत घटिया जोक, बहुत घटिया जोक था, बट यार प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। और सब लोग मुझे वहां पे ऐसे बुला रहे थे जैसे सब लोग नाक से बात कर रहे हैं। शुभम, 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 हेलो हेलो, 50 बात, ओनली 50 बात, ओनली 50 बात, नो 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 नो, ओनली 50 बात शुभम, नो। ऐसी बात कौन करता है यार? सेकेंड डे पे मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था उसके बाद। मुझे तो बोलने भी नहीं होता मेरे खांसी की वजह से, बिकॉज हमारी फ्लाइट 8:30 की थी रात के, मतलब यहाँ के 7:30। बैंकॉक हमारे से 1 घंटा आगे है। तो यार मैं इतना मैं ये हो गया था, लाइक खांसी मेरे को आ गई थी कि मेरे को मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग करने का। फिर भी आई डिड व्लॉग इन एयरपोर्ट, इन बैंकॉक एयरपोर्ट। एक छोटा मोटा मैंने थोड़ा व्लॉग किया है ऐसे ही थोड़े देर टाइम पास के लिए, बिकॉज मेरे को थोड़ा तब भी मेरे को मैंने मेरी मेडिसिन ली और तभी मेरे को थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, मेरा गला थोड़ा ठीक हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा व्लॉग किया। Oh.
very sadly, I didn't vlog today because my bimar tha aaj bhi. और आज लास्ट डे है, अभी बज रहे हैं 5:30 बैंकॉक के, तो मतलब मुंबई के बजते रहेंगे 4 और मेरी 8:50 की फ़्लाइट है, मैं जा रहा हूँ मुंबई फिर से. और आई एम वेरी सॉरी गाइस, मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया नहीं मेरा रूम और बाकी सब कुछ, बिकॉज मैं बीमार भी था और मेरा जो ये जो फ़ोन है iPhone 6 उसकी बैटरी बहुत फटफट उतरती है. कुछ कंफर्म नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि मेरा नेक्स्ट ट्रिप फिर से बैंकॉक है. तो यार थैंक यू सो मच गाइज. और अभी मैं वीडियो एंड नहीं कर रहा, सो यार दिस इज़ द एयरपोर्ट, ये है बैंकॉक का एयरपोर्ट और इट इज़ अमेजिंग. सो यार शेड्स बड़े लग रहे हैं मेरे को. और मुझे ये थाई लोग यार देख के जो मज़ा आया है ना, ओनो मामा बाय शुभम, अब लोग ऐसे बात करते जैसे लोगों के नाक में उसको फंसा दिए ना, नाम भी हलेंगे ना शुभम शुभम. और उसके बाद तो मैं सीधा घर पे आ गया, सो गया, 2 दिन रेस्ट हो गया. अगले दिन मुझे हो गया बुखार, सीधा गया हॉस्पिटल, मुझे डॉक्टर ने सीधा लाइक इंजेक्शन दे के मुझे सुला दिया. और अब भी जाके मैं पूरे 1 हफ्ते बाद मैं रिकवर अभी हो रहा हूँ, अभी फुल्ली रिकवर हो चुका हूँ, थोड़ा खांसी है बट इट इज़ वर्थ इट नाउ. अभी बहुत अच्छे से फील कर रहा हूँ, अभी से ब्लॉग्स अच्छे से आएंगे, टाइम पे आएंगे, मिस नहीं होंगे. और या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल हियर, थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज, एंड सबका शुभारंभ हो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. And one more thing guys, while I was going to the launch, सब लोग बैठने के लिए, बिकॉज हम लोग का सब इमिग्रेशन सब कुछ क्लियरेंस हो चुका था, तो हम लोग जा रहे थे सब लोग बैठने के लिए वहाँ, तभी आई सॉ राधिका आप्टे एंड आई एम सीरियसली गाइस आई फ्लिप्ड आउट. मैं इतना खुश हुआ उसको देख के. अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, तो मेरी बहन का फ़ोन था, बट मेरी बहन फ़ोन पे कुछ तो काम कर रही थी, नहीं तो मैं पक्का उसको मेरे ब्लॉग में पक्का लेता यार. ये टाइम चांस मिस हो गया, सच्ची में उसको मेरे ब्लॉग में लेता, नहीं तो मैं एक फ़ोटो खींचता, बट चांस मिस हो गया. और वो बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी और वो इतनी साइलेंटली गई ना गाई, सच्ची में उसको किसी ने पहचाना भी नहीं, लाइक सिर्फ मैं ही था जो उसको बोला. और मैं और मेरी बहन बहुत उसको खुश हुई देख के, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है वो. और यार फर्स्ट टाइम किसी एक्टर को देख के मेरे को इतनी खुशी, मतलब लाइक खुशी होती है, बट यार मैंने फर्स्ट टाइम उसको सामने सामने देखा और उसको देख के ही पूरा याद आ गया सेकेंड गेम्स पूरा उसका लाइक स्टोरी एंड ऑल. सो यार ये भी बहुत ही एक अमेजिंग स्टोरी थी मेरी. ये टाइम चांस मिस हो गया राधिका आप्टे से मिलने का, लाइक उसको ब्लॉग में लेने का, बट यार मैं इतनी मेहनत करूँगा कि राधिका आप्टे के हाथ में ब्लॉग पूरा बनाऊंगा एक दिन. सो यार एक बार मिस होने में कुछ नहीं होता है, लाइफ में बहुत सारे मौके मिलते हैं और मैं बहुत मेहनत करूँगा वो मौके के लिए, फिर से उसको ब्लॉग में लेने के लिए. सो यार